हेलो इंजीनियर्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रभात और हम हाजिर इस वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, डिजाइन द रेनफोर्समेंट्स इन अ शॉर्ट कॉलम 400 mm by 600 mm सब्जेक्टेड टू एन अल्टीमेट एक्सियल लोड 1600 kN टुगेदर विथ अल्टीमेट मोमेंट ऑफ 120 kN एंड 90 kN अबाउट द मेजर एंड माइनर एक्सेस रिस्पेक्टिवली। एडॉप्ट M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड Fe415HYSD bars। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है डिज़ाइन करना है हमें रेनफोर्समेंट का शॉर्ट कॉलम जो कि है, उसका आपको डायमेंशन दिया है 400 mm और 600 mm और आपका अल्टीमेट एक्सियल लोड लग रहा है 1600 kN का, और उसमें फिर अल्टीमेट मोमेंट लग रहा है आपका मेजर एक्सिस में आपका 120 kN और माइनर एक्सिस में 90 kN। आपको एडॉप्ट करना है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M20 और ग्रेड ऑफ स्टील Fe415। तो देखिए क्वेश्चन में जो जो दिया उस सबको हम लिख लेते हैं गिवन डेटा के रूप में। तो बी आपको दिया 400 mm, कैपिटल डी आपको दिया 600 mm, PU इक्वल टू आपको दिया 1600 kN, MUX आपको दिया है 120 kN, MUY आपको दिया है 90 kN, FCK इक्वल टू 20 Nm², FY इक्वल टू आपका है 415 Nm². अब यहां से हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे इफेक्टिव कवर यानी कि DDEX इक्वल टू 60 mm। अब देखिए इसका रेशियो हमें निकालना है DDEX बाय D का, तो आपका हो जाएगा 60 by 600। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.10 होता है। अब यहाँ से हमें निकालना है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन ऑल द फोर साइड्स एज अ फर्स्ट ट्रायल। हम फर्स्ट ट्रायल कर रहे हैं कि इक्वल चारों साइड बराबर रहेगा। एडॉप्ट परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट इन द क्रॉस सेक्शन एस पी इक्वल टू 1%। मतलब हम 1% के लिए अडॉप्ट कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन का। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एरिया ऑफ स्टील यानी ASC इक्वल टू आपका स्मॉल p यानी परसेंटेज ऑफ स्टील अपॉन में 100 इंटू एरिया बी इंटू डी, यानी कि 1 × 400 × 600 अपॉन में आपका हो गया 100। तो ये आपका आता है 2400 mm². अब यहाँ से आपको निकालना है नंबर ऑफ बार। तो नंबर ऑफ बार के लिए आपको चाहिए एज्यूम डायमीटर। तो डायमीटर हम क्या कर रहे हैं, 20 mm हम ले रहे हैं। आप 12 mm से ऊपर में किसी को भी आप ले सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। तो नंबर ऑफ बार इक्वल टू होगा टोटल एरिया ऑफ स्टील अपॉन में एक बार का एरिया, यानी कि 2400 अपॉन में पाई बाई 4 × 20² ये आता है 7.64। लेकिन 7.64 प्रोवाइड करना प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसको 8 नंबर ऑफ बार ले लेते हैं। तो हम लिखते हैं यूज 8 bars of 20 mm डायमीटर। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड 3 ऑन इच फेस, यानी हर फेस पे आपको 3 बार आपको दिखेगा। तो सेक्शन आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, 400 mm है, यहाँ पे 8 नंबर ऑफ बार आपका यहाँ पे प्रोवाइड है, ये 600 mm इसका डेप्थ है। तो यहाँ पे जो आपका नया एरिया ऑफ स्टील होगा वो आपका बन जाएगा नंबर ऑफ बार इंटू एक बार का एरिया। तो आपका नंबर ऑफ बार हमारे पास कितना है, 8 है इंटू एक बार का एरिया आपका पाई बाई 4 × 20 mm² आपका आ जाएगा 2513 mm² अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ये यहाँ से हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील आपका कैसे निकलेगा, परसेंटेज ऑफ स्टील ये आपका होगा एरिया ऑफ स्टील अपॉन में एरिया ऑफ आपका सेक्शन इंटू 100, यानी कि 2513 अपॉन में 400 × 600 × 100 ये आपका सॉल्व होकर के आता है
1.05। अब यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए स्मॉल पी बाई एफ सी के की। तो स्मॉल पी की वैल्यू है आपकी 1.05, एफ सी के की वैल्यू है आपकी 20, इसकी वैल्यू आती है 0.052। यहाँ से हम निकालते हैं पी यू बाई एफ सी के इंटू बी इंटू डी की वैल्यू, ये आपका 1600 इंटू 10^3। क्यों? क्योंकि ये आपका किलो न्यूटन था, न्यूटन में कन्वर्ट किए, इंटू 20 इंटू 400 इंटू 600। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0.333 आता है। यहाँ से आपको क्या करना है, डी डेक्स बाई डी की वैल्यू, ये सारी चीज़ें वैल्यू को लेकर के आपको रिफ़र करना है चार्ट SP16। तो हम लिखते हैं रिफ़र चार्ट 44 ऑफ SP16 एंड रीड आउट द रेशियो। हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, MUX1 बाई FCK इंटू बी इंटू डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालेंगे किसके करस्पॉन्डिंग। तो लिखते हैं करस्पॉन्डिंग टू द रेशियो पी यू बाई एफ सी के इंटू बी इंटू डी इक्वल टू 0.333 एंड डी डेक्स बाई डी इक्वल टू 0.10 एंड पी बाई एफ सी के इक्वल टू 0.052 एंड एफ ई 415 के बेस पर। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस चार्ट को रीड करेंगे SP16 का चार्ट नंबर 44 इन सब वैल्यू के रिस्पेक्ट में, और वहाँ से हम निकालेंगे MUX1 बाई एफ सी के इंटू बी इंटू डी स्क्वायर की वैल्यू। तो ये है हमारा SP16 चार्ट 44। अब हम इसकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग कराएंगे पी यू बाई एफ सी के बी डी और पी बाई एफ सी के की वैल्यू से। तो देखिए पी यू बाई एफ सी के बी डी की जो वैल्यू है आपका 0.000 है और पी बाई एफ सी के की वैल्यू 0.052 है। तो जब हम इसको करस्पॉन्डिंग करते हैं लीनियर, तो यहाँ पे 0.085 इसकी वैल्यू आती है MU बाई एफ सी के बी इंटू डी स्क्वायर की। तो हम निकाले SP16 चार्ट 44 से MUX1 बाई एफ सी के इंटू बी इंटू डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू रीड आउट निकलती है 0.085। तो यहाँ से हम वैल्यू बनाते हैं MUX1 की, जो डिवाइड कर रहा है आपका वो वैल्यू उधर जा कर के इक्वल टू के इंटू करेगा, तो 0.085 इंटू एफ सी के इंटू बी इंटू डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं 0.085 इंटू 20 इंटू 400 इंटू 600 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपके पास आती है 24.8 इंटू 10^6 न्यूटन एमएम में। इसको हम किलो न्यूटन मीटर में चेंज करते हैं तो 244.8, इसको अप्रॉक्सीमेट लेते हैं 245 किलो न्यूटन मीटर। ये जो हमने मूवमेंट निकाला ये एक्स एक्सिस के था अबाउट, यानी कि मेजर एक्सिस के अबाउट। अब हम निकालते हैं माइनर एक्सिस के अबाउट, फोर मूमेंट्स अबाउट द माइनर एक्सिस। क्या है आपका माइनर एक्सिस, वाई वाई है। अब यहाँ पे आपको डी डेक्स बाई डी की वैल्यू फिर जरूरत पड़ेगी, जो कि माइनर एक्सिस में डी डेक्स बाई बी हो जाएगा, मतलब 60/400, मतलब जब इसको सॉर्ट करने पर 0.15 आता है। यहाँ से हम रिफ़र करते हैं रिफ़र चार्ट 44 ऊपर में था, ये 45 जाएगा। क्यों? क्योंकि डी डेक्स बाई डी की जो वैल्यू है वो आपका चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हमने वाई एक्सिस के अबाउट यहाँ पे हम मूवमेंट फाइंड कर रहे हैं, इसलिए। तो रिफ़र चार्ट चार्ट 44 ऑफ SP16 एंड यहाँ से हम रीड आउट करेंगे MUY1 बाई एफ सी के इंटू बी इंटू डी स्क्वायर की। हमारा जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू था वो जो ऊपर में हमने निकाला था
पी बाई एफ सी के की वैल्यू वो यही रहेगी। अब पी यू बाई एफ सी के इंटू बी इंटू डी की वैल्यू भी सेम रहेगी 0.33। ये है चार्ट 45 ऑफ SP16। हमारे पास दो पैरामीटर की वैल्यू अवेलेबल है, इनके हेल्प से हमें MU Y1 बाई एफ सी के बी स्क्वायर इंटू डी की वैल्यू 0.08 प्राप्त होती है। तो आपकी वैल्यू होती है MU Y1 बाई एफ सी के इंटू बी इंटू डी स्क्वायर की वैल्यू आपका 0.08। तो यहाँ से हम वैल्यू बना लेते हैं, MU Y1 की वैल्यू होगी 0.08, ये यहाँ डिवाइड कर रहा है इधर आके पूरी इंटू करेगी, तो एफ सी के की वैल्यू आपकी 20, बी की वैल्यू यहाँ पे आपका अब चेंज होगा। क्या चेंज होगा, यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो आपका एक्सिस है वो वाई एक्सिस हो गया, तो यहाँ पे आपका डी स्क्वायर न होकर के बी का स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, बी स्क्वायर की जगह 400 स्क्वायर इंटू आपका डी की वैल्यू 600। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 153.6 किलो न्यूटन मीटर में इसकी वैल्यू आती है। इसको अप्रॉक्सीमेट 154 किलो न्यूटन मीटर हम ले लेते हैं। अब यहाँ से आपको चाहिए कंबाइंड एक्सियल लोड यानी कि पी यू जेड। तो पी यू जेड के लिए हम जानते हैं कि 0.45 इंटू एफ सी के इंटू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट होता है प्लस 0.75 इंटू एफ वाई इंटू एरिया ऑफ स्टील होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं तो 0.45 इंटू एफ सी के की वैल्यू 20। एरिया ऑफ कॉन्क्रीट हम जानते हैं कि हम टोटल ग्रॉस एरिया में अगर एरिया ऑफ स्टील घटा दें तो आपका एरिया ऑफ कॉन्क्रीट बटेगा। तो ये ग्रॉस एरिया आपका हो गया 400 इंटू 600, इसमें से हम एरिया ऑफ स्टील हमने माइनस किया तो यहाँ पे जो बचेगा वो एरिया ऑफ कॉन्क्रीट बचेगा प्लस 0.75 इंटू 415 आपका एफ वाई की वैल्यू इंटू ए एस सी की वैल्यू 2513। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आपकी आती है 2919.55 किलो न्यूटन में। इसको हम अप्रॉक्सीमेट लेते हैं 2920 किलो न्यूटन। अब हमें यहाँ से रेशियो लेना है, किसकी रेशियो लेना है, तो पी यू बाई पी यू जेड की रेशियो लेना है यानी कि आपका 1600 अपॉन में 2920। तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आता है 0.548। देखिए पी यू बाई पी यू जेड की वैल्यू आपकी आई है 0.548। इसके बेस पे हम अल्फा एन की वैल्यू निकालते हैं जो कि कोफिशियंट ऑफ बाई एक्सियल बेंडिंग है। पेज नंबर 71 पर जो कि IS कोड 456 है वहाँ पे आपका जो रेशियो है पी यू बाई पी यू जेड की वैल्यू वो आपका बोलता है 0.2 से 0.8 अगर आपकी वैल्यू इसके बीच में आती है तो आपका अल्फ़ा एन की वैल्यू आपका वेरी करेगा लीनियरी फ्रॉम 1 to 2। तो हमारा 0.2 से 0.8 के बीच आया है 0.548। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन मेथड। तो आइए इसको हम करते हैं और अल्फ़ा एन की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करते हैं। तो हम लिखते हैं वी कैन डू इंटरपोलेशन बाय वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एन। हम जानते हैं 2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, 1 इसके मिनिमम वैल्यू है। तो 2 आपको 0.8 के केस में लेना है और 1 आपको 0.2 के केस में लेना है। ठीक है, अब हमारा जो वैल्यू आया है 0.548 आया है और इससे जो आपकी सबसे छोटी वैल्यू है उसमें से आपको घटाना है और आपको उसमें 1 ऐड करना है। तो इसको सॉल्व करने के पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी अल्फ़ा एन की वैल्यू होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1.5 है जो कि आपके अल्फ़ा एन की वैल्यू है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं अल्फ़ा एन इक्वल टू 1.58। अब हम क्या करेंगे, उसी IS कोड 456 से 71 पेज नंबर पे हमें जो क्लॉज में जो हमें फार्मूला दिया है उस पे हम रखेंगे। तो हमारा फार्मूला है MUX बाई MUX1 कोष्टक बंद, अल्फ़ा एन यहाँ पे रहेगा, अल्फ़ा एन
प्लस आपका एम यू वाई बाई एम यू वाई वन, यहाँ पे भी अल्फा एन, और ये जो वैल्यू है या तो एक से इसकी वैल्यू छोटी हो, मतलब एक इससे बड़ी होनी चाहिए, या फिर ये एक यानी वन के इक्वल होना चाहिए। अगर ये होगा तो हमारा सेक्शन सेटिस्फाई हुआ, और नहीं हुआ तो हमें फिर से रीडिज़ाइन करना होगा। तो आइए इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। तो एम यू एक्स हमें क्वेश्चन में गिवेन है 120, एम यू एक्स वन हमने निकाला 245, अल्फ़ा वन की वैल्यू आपकी है 1.58, प्लस एम यू वाई की वैल्यू आपकी 90 क्वेश्चन में गिवेन है, एम यू वाई वन हमने निकाला 154, अल्फ़ा एन की वैल्यू हमें पता है 1.58। अब जब हम इसके सॉल्व करते हैं तो 0.75 आता है, जो कि आपका 1 से छोटा है यानी 1 इससे बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं हेंस द डिज़ाइन इज सेफ, यानी यहाँ पे हमारी जो डिज़ाइन है वो सेफ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लेटरल टाइज जो है वो हम डिज़ाइन करेंगे, और उसके डायमीटर, उसकी स्पेसिंग। तो लिखते हैं लेटरल टाइज, लेटरल टाइज मीन्स आपका ए नंबर पे आपका आएगा डायमीटर। तो डायमीटर हमें पता है 1/4 आपका होगा डायमीटर ऑफ मेन, ठीक है, जितना मेन बार में हमने प्रोवाइड किया तो हमने 20 किया है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपका 5 mm आता है, और सेकेंड आपका है 6 mm। इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो हमें लेना है, तो हमारा डायमीटर इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 mm। अब बात करते हैं हम अगला, यानी कि स्पेसिंग। तो स्पेसिंग में भी आपका कंडीशन है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है लिस्ट लेटरल डायमेंशन, मतलब आपका 600 और 400 में लिस्ट लेटरल क्यों है 400 mm है। सेकेंड नंबर है आपका 16 टाइम ऑफ मेन डायमीटर बार, तो यानी कि आपका 16 × 20। तो ये सॉल्व करने के बाद ये आपका आता है 320 mm। थर्ड इसमें आपका आता है 48 टाइम्स ऑफ लेटरल टाइज, मतलब 48 × 6 सॉल्व करने का 288 mm में। इन तीनों में जिसकी वैल्यू सबसे मिनिमम हो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो लिखते हैं टेक मिनिमम स्पेसिंग 288 mm। बट क्या है कि 288 mm प्रैक्टिकली प्रोवाइड करना संभव नहीं है, इसलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेट 290 mm प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं प्रोवाइड 6 mm डायमीटर लेटरल टाइज एट 290 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।